वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये एलजेब्रा पर बेस्ड है। दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपको समझ लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि एक वीडियो है जो सिलेबस पर तैयार हुई है, ठीक है? एक वीडियो मैंने तैयार की है सिलेबस पर। तो सिलेबस पर ये जो एक वीडियो तैयार की है इसको आप सभी लोग वॉच करेंगे। इसका रीजन ये है क्योंकि मैंने जब उस वीडियो को बनाया था तो उसको बहुत ज्यादा मैंने कंप्रेस करा था, और उसमें ये आपको बताया था पूरे कंक्लूजन के फॉर्म पर कि कौन कौन से टॉपिक किसके क्लास में आ रहे हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें काफी लोग बोले कि सर क्लास बताइए क्लास बताइए। तो ये जो एक वीडियो तैयार हो रही है जैसे अलजेब्रा की, अब अलजेब्रा की अगर मैं वीडियो की बात करूँ तो आप देखेंगे कि अलजेब्रा टॉपिक जिन जिन क्लासेस में डिस्कस हो रहा है वो सभी लोग इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपको सिलेबस वाला वीडियो देखना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड करने के लिए, भैया सिलेबस चेंज हो गया है, आप लोग वीडियो देखते नहीं और उसके बाद फिर कमेंट सेक्शन में अननेसेसरी बातें शुरू कर देते हैं। तो PYQ जो है उसका कोई पर्पस नहीं है, कोई मतलब नहीं है आपके लिए, क्योंकि पिछले टॉपिक्स आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी थे और टॉपिक्स जो नंबर ऑफ टॉपिक्स थे वो भी बहुत ज्यादा थे। अभी इस साल क्या है कि लगभग हर क्लास में 4 टॉपिक्स ही डिस्कस हो रहे हैं, लगभग क्या केवल 4 टॉपिक्स ही डिस्कस हो रहे हैं। तो दोनों चीजें मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी, और अब बगैर कुछ डेट किए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपने सामने ये रहा, इफ एक्स प्लस 1 अपॉन x इक्वल 3 देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो एक दो फॉर्मूलास, एक तो आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। एक दूसरा फॉर्मूला इसी में और आपको नीट पढ़ने वाली है जिसको हम बोलते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, दिस इज नोन एज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड आफ्टर देन ए प्लस बी। तो इन दो फॉर्मूलास की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर बहुत सारी एंटिटीज जो हैं उनका हम लोग यूज करेंगे। तो अभी हमें यहाँ पर पावर आप देखेंगे तो इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, जबकि यहाँ पर हमसे डिस्कस क्या करवा रहा है, पावर से डिस्कस करवा रहा है। तो हमने क्या किया कि इसी को हमने पिक किया, ये लिखा गया है एक्स प्लस 1 अपॉन x टू द होल पावर कुछ नहीं है। मैंने क्या किया इसका बोथ साइड क्यूब करा दिया, क्या करा दिया क्यूब, तो इधर भी क्यूब तो इधर भी क्यूब। अब ये ए प्लस बी का होल क्यूब है तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूटिलाइज करेंगे, तो ये क्या बना देगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और साथ में ए प्लस बी इक्वल 3 3 जा 9 3 जा 27, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब यहां से अगर आप देखते हैं तो ये एक्स क्यूब अपनी जगह पर एकदम सही है, ये x 1 अपॉन x क्यूब अपनी जगह पर सही है, इस x से ये x हो जाता है कैंसिल, ये बन जाता है 3, x प्लस 1 अपॉन x की जो वैल्यू है ये देखो यहाँ पर 3 आपको दे दी गई है, तो इस 3 को उठा करके मैंने यहाँ पर रखा और ये बच रहा है 27। यहाँ से हमको मिल जाता है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब और प्लस 9 इक्वल 27। अब हमने क्या किया, 27 में से 9 को हमने करा दिया सब्ट्रैक्ट, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट कराया तो आपको पता है कि आउटपुट देगा 1 अपॉन x क्यूब इक्वल 18। अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया क्योंकि हमको असल में चाहिए क्या, पावर 6 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब टू द होल पावर हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। यहाँ पर क्या है 18 का स्क्वायर, मतलब इसी का हमने बोथ साइड स्क्वायर ले लिया है। और स्क्वायर हमने क्यों लिया बोथ साइड, क्योंकि एक्चुअल में हमको चाहिए था 6। अब हमने क्या किया, हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले को यूज किया। तो जैसे ही हमने इसको यूज किया तो हमें देखने को मिलता है ए स्क्वायर प्लस फिर यहाँ से बी स्क्वायर प्लस फिर यहाँ से 2 फिर यहाँ से ए और फिर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा बी 18 स्क्वायर 324। यहाँ से आपको देखने को मिलता है x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 6 प्लस एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब हो जाता है कैंसिल, तो 2 इक्वल 324। यहाँ से आपको देखने को मिलता है x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 6 और इस 2 को हमने RHS में लेकर के गए तो 322। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो इसको दो तरह से हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं, पहला एक मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है? हिट एंड ट्रायल मेथड में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन है, जैसे सपोज करो कि अगर मैं पूछूं एक्स प्लस वाई इक्वल टू और एक्स माइनस वाई इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो
तो आप जानते हैं कि एक बार इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर ये दो कैंसिल हो जाते हैं, 2x = 4, देन x = 2, और एक बार इन दोनों को सेपरेट करेंगे तब भी हमको यहाँ से कुछ वैल्यू देखने को मिलेंगी, और y की वैल्यू क्या जाती है, 0 आ जाती है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि x और y की ये जो वैल्यूज हैं, ये दो वैल्यूज हमको इसलिए मिल रही है क्योंकि यहाँ पर दो इक्वेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने नंबर ऑफ अननोन्स होंगे, अननोन्स का मतलब यहाँ पर एक अननोन एक्स है, दूसरा अननोन वाई है, तो जितने नंबर ऑफ अननोन्स होंगे उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस होनी चाहिए, तभी हम यूनिक सोल्यूशन को गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, केवल एक है, और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, दो हैं। तो इस तरीके की इक्वेशन का कोई भी यूनिक सोल्यूशन नहीं होता है, इसका मतलब इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया x = 6 और y = 1। अब देखो अगर 6 और 1 को हम रखते हैं तो 6 - 1 5 ही आपको दे रहा है, तो ये भी इसका एक सोल्यूशन है। अब अगर ये बात सही है कि एक्स की वैल्यू 6 है, तो इस 6 को उठा करके मैंने यहाँ रख दिया, तो 6 - 11³ - y की वैल्यू 1 है, तो y - 6³। यहाँ से 6 - 11 मतलब -5³, यहाँ से -5³, यहाँ से -125 -125, यहाँ से -125 प्लस का 125, आउटपुट क्या मिला, 0। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। अब आप कहेंगे सर अगर इसको एक्चुअल फॉर्म पर एल्जेब्रिक वेज में हमें सॉल्व करना होता तो कैसे सॉल्व करते हैं, उसका भी देख लेते हैं। यहाँ से हमको दिया जा रहा है x - y = 5, और आउटपुट जो हमसे पूछ रहा है वो x - 11 पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, 11 हमने 11 इधर पे माइनस किया, तो अगर LHS में माइनस किया तो RHS में भी माइनस करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। और फिर हमको चाहिए y - 6, तो हमने माइनस का वाई है यहाँ पर प्लस का 6 कर लिया, तो यहाँ पर भी प्लस का 6 कर दिया। अब x - 11 एक पार्ट ये रहा, माइनस साइन इससे कॉमन किया तो ये बना देता है y - 6 = 6 और 5 को ऐड किया तो ये हो जाता है 11 - 11। यहाँ से x - 11 एक हिस्सा रहा, y - 6 दूसरा हिस्सा रहा, और ये आ जाता है 0। देन x - 11 = y - 6। अब हमको चाहिए क्या, x - 11 to the whole power 3, तो हमने इसका बोथ साइड क्या रन करा दिया, क्यूब रन करा दिया, तो y - 6 का होल क्यूब। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा x - 11 होल क्यूब - y - 6 to the whole power 3 = 0। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसके पास इन्फाइनाइट सोल्यूशन कैसे हैं और x = 6 और y = 1 क्यों लिया गया है। आप चाहें तो इनकी जगह पर कोई और भी वैल्यूज ले सकते हैं, जैसे x = 4 भी ले सकते हैं और y = -1 भी ले सकते हैं, बस आपको 5 मिलना चाहिए। आप चाहें तो x = 5 ले लें और y = 0 ले लें, तब भी आउटपुट आ जाएगा, बिकॉज दिस सिस्टम कंटेन्स इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात कही जा रही है, कहा जा रहा है a - 3b = 2, देन a³ - 27b³ - 18ab = 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब के फॉर्म पर हमसे पूछ रहा है, और जो आउटपुट दिया गया है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन हमको दिया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूब रन करा देंगे। ठीक है, और हमने बोथ साइड जैसे ही क्यूब रन कराया हमें देखने को मिलेगा a - b का होल क्यूब। अभी अभी मैंने आपको बताया था a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ - 3ab और फिर a - b। इस एक्सप्रेशन का यूज किया तो a³ - b³, और b³ तो 3 का क्यूब हो जाता है 27, -3 फिर a और फिर b और फिर a - b = 8। यहां से a³ अपनी जगह पर सही है, 27, b³ भी सही है, 3 3 जा 9 ab हो जाता है। यहां से a - 3b की वैल्यू देखो, ये 2 दे रहा है इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पर हमने रख दिया 2 = 8। यहाँ से आपको मिल जाता है a³ - 27b³ - 18ab = a। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये एक्सप्रेशन तो ये LHS वाले से टैली हो रहा है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, ये एक आपके लिए होमवर्क होगा, और होमवर्क ये होगा कि अगर इस क्वेश्चन में मैं इस 2 की जगह पर क्या कर दूं, 3 कर दूं, तो आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, मतलब ऑप्शन से टैली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बोल रहा है a² + b² + c² = 2, दिस देन वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। ठीक है, अच्छा सवाल है,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका टू टू को अंदर रन कराया, देन 4a - 2b -4c -8 -1। अब एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका टू 4a - 2b -4c -9। अब हमने क्या किया, ए वाले टर्म्स एक साथ ले जाओ, मतलब ए स्क्वायर इसको आरएचएस से एलएचएस में ले करके गए तो -4 है, ये एक हिस्सा हो गया। फिर देखो ये बी स्क्वायर है, इस 2b को इधर ले गया तो ये प्लस का 2b हो गया। और फिर देखो यहाँ से ये प्लस का सी स्क्वायर है तो यहाँ से लेकर के गए तो ये प्लस का 4c हो गया, और इक्वल में क्या चल रहा है, माइनस का 9। फिर देर ध्यान देंगे, ए स्क्वायर अपनी जगह पर सही है, 4a अपनी जगह पर सही है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। और जब परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो तो ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो, होल स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यानी एक हिस्सा ये देखने को मिल रहा है। इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, अब ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो एक हिस्सा, इतना हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला हिस्सा हमको मैच कराना है। तो यहां पर आपको 4b मतलब 2b ए स्क्वायर प्लस 2ab तो प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, तो यहां पर हमने क्या किया, 4 ऐड कर दिया। अब ध्यान देना, अगर एलएचएस में 4 ऐड किया तो आरएचएस में भी 4 ऐड कर देंगे। अब बी स्क्वायर वाला टर्म हमने लिया बी स्क्वायर प्लस 2b, तो यहां से प्लस 1 किया तो हमको आरएचएस में भी प्लस 1 करना पड़ेगा, और फिर सी स्क्वायर प्लस 4c, फिर यहां से हमने प्लस का 4 किया तो यहां से भी हमको प्लस का 4 करना पड़ेगा। अब अगर हम यहां से देखते हैं तो ए माइनस 2 का ये बना रहा है परफेक्ट स्क्वायर, फिर बी प्लस 1 का ये बना रहा है परफेक्ट स्क्वायर, फिर सी प्लस 2 का ये बना रहा है परफेक्ट स्क्वायर। तो 4, 4, 8 और 1, 9 से ये पूरा 9 हो जाता है, 0 लिया जाता है 0। अब यहां पर थोड़ी सी बात आपको समझनी होगी, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है कि कभी भी स्क्वायर्स का सम शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करें तब भी वो पॉजिटिव नंबर देगा, और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तब भी वो पॉजिटिव नंबर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी स्क्वायर्स का सम जीरो नहीं हो सकता है, और अगर वो जीरो हो रहा है तो वो तभी जीरो हो सकता है जबकि वो इंडिविजुअली क्या हो, जीरो हो। मतलब ए माइनस टू को खुद जीरो होना पड़ेगा तो ए की वैल्यू टू आ जाती है, फिर दूसरे एक्सप्रेशन में बी प्लस वन को जीरो होना पड़ेगा तो यहाँ से बी की वैल्यू -1 आ जाती है, फिर यहाँ से सी प्लस टू को जीरो होना पड़ेगा तो सी की वैल्यू यहाँ से -2 आ जाती है। अब ए बी और सी की वैल्यूज आ चुकी हैं, सारी वैल्यूज को उठा करके यहाँ एक्सप्रेशन में पुट कर रहे हैं, ए की जगह पर 2 है, बी की जगह पर -1 है, सी की जगह पर -2 है और +2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, 2 + 1, तो हमें आउटपुट क्या देखने को मिल रहा है, 3। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 अपने सामने ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 72 दिया गया है, और एक्स माइनस वाई इक्वल आपको दे रहा है 8, एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा है, एकदम आसान है। हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर कर देंगे, ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। एक्सप्रेशन को जब अप्लाई किया तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल 64, यहां से एक्स स्क्वायर एक साथ ले लिया, वाई स्क्वायर एक साथ ले लिया, 2xy इक्वल 64। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 72 उठा करके यहां पर रख दो, तो 72 - 2xy इक्वल 64, 72 में से हमने 64 को कर दिया माइनस तो हमें देखने को मिलता है 2xy, 72 में से 64 गया, देन वी गेट दी 8 इक्वल 2xy, डिवाइड करा दिया देन xy इक्वल 4, और जब xy की वैल्यू 4 आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ x रेशियो y इक्वल 3:2, इसका मतलब ये हुआ कि x अपॉन y की वैल्यू क्या आ रही है, 3/2 आ रही है, तो हमने मान लिया कि x की जो वैल्यू है वो 3k है, y की जो वैल्यू है वो 2k है। भैया जब दोनों को डिवाइड कराओगे तो आपको यही डिवाइड करने पर मिलेगा, एक्चुअली रेशियो हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट हमको लेना होगा एवेल्यूएशन के लिए। सारी वैल्यूज आ गई हैं, उठा करके इन सारी वैल्यूज को पुट कर दो इस एक्सप्रेशन में, और जैसे ही हमने इसके अंदर पुट किया तो हमें देखने को मिलता है 3k + 2k / 3k - 2k, 5k / k, k से ये k कैंसिल हो जाता है तो बच जाता है 5/1, इट मीन्स रेशियो इज
5:1। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और देखो ये बात फिर वही घूम फिर करके आ जाती है कि कभी भी स्क्वायर्स का सम 0 नहीं हो सकता है। अगर स्क्वायर्स का सम 0 हो रहा है तो इसका मतलब इंडिविजुअली वो टर्म्स ही 0 होंगे, तभी ये बात संभव है। तो ये हमने 0 किया, तो यहां से हमको 3y=2z, तो यानी y अपॉन z, इस z को अपॉन में ले है, इस 3 को इधर अपॉन में ले है, तो 2/3। जबकि इस एक्सप्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहां से इसको इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा, तो 2x=y, और यहां से x अपॉन y की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2, x अपॉन y 1/2। ठीक है, अब अगर हम एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो एक्सप्रेशन हमको देखने को मिलेगा, इन दो इक्वेशंस को कंबाइन करके बता रहे हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। मान लेते हैं कि इसको हम रेशियो में लिखें तो ये बना देगा वाई रेशियो जेड इज टू 2:3, और इसको अगर हम रेशियो में लिखें तो ये बना देगा एक्स रेशियो वाई इज टू 1:2। तो ये हमने रेशियो लगा दिया। ठीक है, अब हमें एक्स रेशियो वाई की वैल्यू क्या दिख रही है, 1:2, जबकि वाई रेशियो जेड की वैल्यू क्या दिख रही है, 2:3। हमेशा बीच वाला जो नंबर होता है वो सेम होना चाहिए, इसमें ऑलरेडी सेम है इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन नथिंग टू डू एंड यू कैन राइट डाउन डायरेक्टली 1:2:3, देन 1:2:3 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड गिवन क्वेश्चन इज दिस, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a:b:c। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, देन a² + b² + c² - ab - bc -ca = 2 × 0। इसमें 2 को हमने अंदर रन करा दिया तो हमें ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, -2ab - 2bc - 2ca, और ये आप जानते हैं कि 0 से जो टकराएगा 0 में बदल जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a² + a² ठीक है, इसको लिख सकते हैं b² + b², इसको लिख सकते हैं c² + c², और इसको हम लिखेंगे -2ab - 2bc - 2ca = 0। अब देखो हमें क्या करना है, जैसे हमने ए बी लिया तो ए बी हमने लिया माइनस का 2ab, तो इसको हम कट कर देते हैं यहां से। ठीक है, और एक इसके पास ए और बी है, तो एक ए हमने यहां से ले लिया और एक बी हमने यहां से ले लिया, तो ये एक एक्सप्रेशन तैयार हो गया। सेम प्रोसेस से ये देखो 2bc है, माइनस का 2bc ले लिया तो इसको यहां से काट देते हैं। ठीक है, और ये जो माइनस का 2bc है इसमें b और c है, तो एक b हमने यहां से ले लिया और एक c हमने यहां से ले लिया। अब जो बच रहा है वो ले लेते हैं, बच रहा है एक c, ये बच रहा है, देन c² ये बच रहा था 2ca, एक a ये बच रहा है, देन प्लस का a² = 0। यहां से हमको क्या देखने को मिलता है, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज a - b² b - c² c - a² = 0। फिर वह आ जाती है कि स्क्वायर्स का सम 0 नहीं हो सकता, और अगर इंडिविजुअली 0 हो रहा है, मतलब अगर स्क्वायर्स का सम 0 है तो इसका मतलब इंडिविजुअली टर्म्स को 0 होना पड़ेगा, इसका मतलब a - b को 0 होना पड़ेगा। तो a = b, इसको हम लिख सकते हैं a/b = 1/1, तो इसको हम लिख सकते हैं a:b = 1:1। सेम प्रोसेस से जब हमने इसको 0 किया तो b - c को 0 कर देने पर हमको मिलता है b:c = 1:1, और सेम प्रोसेस से a - b = 0 किया तो a:b = 1:1। अब कुल मिलाकर के अगर हम रेशियो निकालें तो a:b:c, a:b क्या है 1:1 है, b:c क्या है 1:1 है, c:a क्या है 1:1 है, तो ओवरऑल मिल क्या आ रहा है 1:1:1, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 भी था। ये जो हमें देखने को मिल रहा है x+1/x = 3, यहां से हम दो चीजें निकालेंगे, एक्चुअली यहां पर चाहिए पावर 5, और पावर 5 हमें गेन करने का एक ही तरीका है कि एक बार हम क्या करें स्क्वायर करें, और एक बार हम क्या करें इसका क्यूब करें, और फिर जो आए उसका हम करा दें मल्टीप्लाई। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो a+b² क्या हो जाता है a² + b² + 2ab = 3, 3 जा 9। तो यहां से आपको देखने को मिलता है x² + 1/x² = 7।
इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये बना देता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी, 3 3 जा 9, 3 जा 27, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन x³, 3 एक्स प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू, ये देखो 3 गिवन की जा रही है, तो 3 हमने यहाँ पुट कर दिया, वी गेट दी 27। तो यहाँ से मिल जाता है x³ प्लस 1 अपॉन x³, 9 इक्वल 27। यहाँ से मिलता है x³ प्लस 1 अपॉन x³ इक्वल 18। ये हो गया इक्वेशन वन, ये हो गया इक्वेशन टू। हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन इंटू इक्वेशन टू, जैसे ही हमने मल्टीप्लाई कराया तो x² प्लस 1 अपॉन x² LHS का LHS से मल्टीप्लाई करा देना, x³ प्लस 1 अपॉन x³, और RHS का मल्टीप्लाई करा देना RHS से, ठीक है। यहां से फिर से मल्टीप्लाई कराओ तो इसका मल्टीप्लाई देखो इससे होगा, तो x⁵ जनरेट कर देता है। फिर x² का मल्टीप्लाई इस टर्म से होगा, तो x² इंटू 1 अपॉन x³, ठीक है, ये क्यूब है 5 नहीं है। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये बना देता है 1 अपॉन x² इंटू x³, और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 1 अपॉन x² इंटू 1 अपॉन x⁵। 18 7 जा 126, x⁵। ये पहला टर्म तो हमारा टैली हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी 2 पावर कम कर देता है तो ये बना देता है 1 अपॉन x, ये इसकी 2 पावर कम कर देता है तो ये बना देता है x, और ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 126। अब हमने क्या किया, x⁵ को ये रखा, इस लास्ट वाले टर्म को पहले लिख दिया इस तरह से इसके साथ, और जो बच रहा है उसको एक साथ ले लिया, इन दो टर्म्स को एक साथ ले लिया, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल हमें क्या देखने को मिलता है, 126। अब x⁵ प्लस 1 अपॉन x⁵, भैया ये तो है हमारा आंसर, ये मतलब यही हमको चाहिए था, और प्लस का x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू ये देखो हमें दे रहा है कितना है, 3 है, तो ये आ जाता है 3 = 126। और मुझे लगता है कि अब आप जानते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है, 126 में से हमने 3 को माइनस कर दिया, देन वी गेट दी 123, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और एक्सप्रेशन ये दे रहा है और हमसे पूछ रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। फिर वही बात है, हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, जबकि यहां से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, बस a⁶ से a⁶ कैंसिल हुआ, b⁶ से b⁶ कैंसिल हुआ, ये जो क्यूब चल रहा है इसकी 2 पावर, इसकी 2 पावर कम कर देंगी, और इसकी भी 2 पावर, इसकी 2 पावर कम कर देंगी, तो एक्सप्रेशन यहां से बचता है 3a² प्लस बी स्क्वायर इक्वल 2ab। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी को नीचे ले आओ डिनोमिनेटर में, और इधर से 3 को ट्रांसफर करोगे तो 2/3, इसको सेपरेट कर देते हैं तो ए स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल 2/3, बी से ये भी कैंसिल हो जाता है, इस ए से ये ए कैंसिल हो जाता है, देन वी गेट दी ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल 2/3, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और क्वेश्चंस भी आपको क्लियर कट समझ आ रहे होंगे। मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं कि जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा वो सबसे पहले टॉपिक वाइज वीडियोस होंगे, और टॉपिक के लिए आपको सिलेबस वाला वीडियो देखना होगा और उसका एक स्क्रीनशॉट खींच करके ले लेंगे, जिसमें कि मैंने आपको बता रखा है कि कहाँ पर क्या चीज़ हमें पिक करनी है, ठीक है। तो उसमें सब पूरा सारी क्लासेस के साथ कंप्रेस करके मैंने बता दिया, तो आपको देखने को मिलेगा कि एलजेब्रा किन किन क्लासेस में डिस्कस हो रहा है, जिन जिन क्लासेस में डिस्कस हो रहा है उन उन क्लास के स्टूडेंट्स को देखना है सिंपली। ये मतलब मेरा अपना कंसेप्ट है और इसी के बेसिस पर मैं पढ़ाता हूँ, पिछले साल भी, पिछले कई सालों में इसी पैटर्न पर ही चल रहा है, ठीक है। उसमें मेरे लिए भी आराम हो जाता है, आपके लिए भी आराम हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।